नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। दिल्ली के एमसीडी उपचुनावों में आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले हो गई। आपको बता दें कि एमसीडी के उपचुनावों में 5 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने विजय पताका फहरा दिया। वहीं कांग्रेस ने 1 सीट कब्जाई है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका। आपको बता दें कि त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, रोहिणी और शालीमार बाग की सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है। वहीं चौहान बांगड़ सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। वहीं बीजेपी जो है कहीं नजर ही नहीं आ रही है। इसके पीछे क्या कारण रहे, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गई है काजोल। काजोल, ये बताइए क्या माहौल दिख रहा है वहां आपको? देखिए, जीत तो गए हैं लेकिन बीजेपी की स्थिति जो दिख रही है वो ठीक नहीं लग रही है बिल्कुल। क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल काविंदर, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो हम कार्यालय में मौजूद हैं, उत्साह बहुत ज्यादा है और ये सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी मान रही थी और सेमीफाइनल आम आदमी पार्टी जीत चुकी है। वहीं 2022 में जो नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं इसको लेकर भी जीत का हुंकार भरती हुई आम आदमी पार्टी यहाँ नजर आई है। साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तीनों सीटों पर, जनसिद्धि की तीनों सीट है, बीजेपी का दबदबा रहा है 15 साल तक, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाय इलेक्शन की बात की जाए तो बाय इलेक्शन में 120 सीट जो है बीजेपी को नहीं मिली है। हालांकि इसके पीछे का स्पष्ट कारण जो है वो ना तो आम आदमी पार्टी बता रही है ना ही बीजेपी बता रही है, बस आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है। हालांकि बीजेपी इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी की तरफ से सिर्फ जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है वो ये है कि बीजेपी कह रही है कि जनता का मन है, जनता ने चुना है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं 2022 को लेकर कांग्रेस। वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 1 सीट हासिल की है, वो भी उस जगह से जहां पर 2030 में दिल्ली में दंगे हुए थे, मुस्लिम बाहुल वो क्षेत्र है, वहां पर आम आदमी पार्टी को नकारा गया है। जी बिल्कुल, काजोल आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, वहां पर जो पूर्व विधायक के बेटे हैं मतीन अहमद वो खड़े हुए थे, उन्होंने जीत दर्ज की। ये बताइए वहां पर दिल्ली के दंगे होते हैं उसके बाद कोई पोलराइजेशन की वजह से ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल काजेंद्र, ये कहा जा सकता है कि जब हमने बात की या आप जो कैंडिडेट हारे थे उनसे हमने बात की जो सीट से अपने कैसे बने वैसे आम आदमी पार्टी के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी समीकरण रहा है हम उसे जरूर देखेंगे क्योंकि 2022 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस सीट से भी जीते, लेकिन अभी समीकरण कुछ अलग रहे हैं। हो सकता है कि जनता का जो मन है वो कहीं ना कहीं उठ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जनता का मन जीत लिया जाए क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो आप जानते हैं काविंद्र की दिल्ली में आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। स्कूलों का हवाला दिया जाता है कि स्कूलों में लगातार काम किया जा रहा है, सड़कों पर काम किया जा रहा है, नगर निगम में काम किया जा रहा है, सफाई की जा रही है, साथ ही साथ बिजली के बिल जो है वो शून्य किए जा रहे हैं, इसके साथ ही पानी जो है हर क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। इन्हीं नारों के साथ आज भी जब यहाँ पर कार्यालय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री मौजूद थे, यही बातें कही गई कि जनता ने विश्वास आम आदमी पार्टी पर जताया और दिखा दिया है बीजेपी को। जी बिल्कुल काजोल, जी बिल्कुल काजोल, जब हम दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली की तमाम सड़कों और गलियों पर हमको बड़े बड़े पोस्टर दिखाई देते हैं जिनमें लिखा होता है कि दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं वो आरोप और प्रत्यारोप करती हैं। वो कहती है कि आप एमसीडी का पैसा दीजिए, वो कहते हैं कि आप एमसीडी का पैसा दीजिए। 3 एमसीडी बीजेपी के पास है, इसके बावजूद ये हालत, क्या वजह नजर आ रही है आपको? देखिए वजह हमने जानने की काविंद्र यहाँ पर बहुत कोशिश की, लेकिन अभी जीतता माहौल है तो इस पर ज्यादा कुछ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जितना हम भाप पाए इससे ये जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वही अगर बीजेपी की बात की जाए तो 15 सालों से एमसीडी में वही है, तो पैसा वो आरोप लगाती है कि केजरीवाल ने पैसा खाया एमसीडी का, केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी ने पैसा खाया एमसीडी का, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो सीधे केजरीवाल ने यही कहा था कि बीजेपी सरकार जो है अपनी कमी छिपाने के लिए ये आरोप जो है आम आदमी पार्टी पर लगातार बढ़ती रहती है। जी बिल्कुल, इससे पहले काजोल हमने देखा था कि जिस तरीके से पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी उसके बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा नजर आई थी, तो आज जो जीत मिली है उससे उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर बाय इलेक्शन हुए हैं 4 वार्डों 5 वार्डों में, जिसमें 4 में से आम आदमी पार्टी जीती है और 1 पर कांग्रेस जीती है। देखिए कांग्रेस जहाँ पर विधानसभा चुनाव में सूपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का दिल्ली में, वहां पर अगर नगर निगम के बाय इलेक्शन पर 1 सीट कांग्रेस ने जीती है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का उत्साह है और जो आशा की किरण कहते हैं ना काविंद्र की, आशा की किरण बाकी है और अब वो आशा की किरण जाग चुकी है, तो इसका असर उत्तर प्रदेश में भी जरूर दिखाई दे सकता है क्योंकि कल हमने गुजरात में भी देखा था जो स्थानीय चुनाव के नतीजे आए थे, कांग्रेस पर हालांकि हाथ तो मिली है लेकिन सीटें काफी ज्यादा कांग्रेस लेकर आई है।
जी बिल्कुल, आप काजोल वहीं पर मौजूद हैं, इसलिए जानना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, तस्वीरें हमारे पास भी आ रही हैं, लेकिन उसके पास ही बीजेपी कार्यालय भी है, वहां कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े तो बिल्कुल नहीं होंगे काविंद्र, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन हाँ वहाँ पर देखिए कोई भी सीधे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ यही जवाब सामने आ रहा है कि जनता ने, जनता जनार्दन है, जनता ने जो फैसला किया है वो सही है, हम 2022 को लेकर तैयारी कर रहे हैं एमसीडी को लेकर, और इस बार फिर से जो मेयर है वो बीजेपी के होंगे, बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से यही दावा किया जा रहा है, शून्य होने के बावजूद भी कागज उसका अंदाजा लगाइए कि दिल्ली की जनता ने नकारा है बाय इलेक्शन में, और जिस तरह से काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं क्योंकि जनता के बीच हम चाहते हैं, जनता खुश है आम आदमी पार्टी से, ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है काविंद्र जी। बिल्कुल काजोल, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, आपने आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी लोगों से कई बात की होगी, किसी नेता से बात हुई, जोश कैसा दिखाई दे रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं आगे की रणनीति को लेकर? आगे की रणनीति यही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, आम आदमी पार्टी ऐसे ही काम करती रहेगी, और हम देख रहे हैं कि अगर दिल्ली के, क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ इसलिए मैं बताऊंगी कि दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कों का निर्माण एक बार फिर से कराया जा रहा है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है, दिल्ली के अगर गवर्नमेंट स्कूलों की बात करेंगे, एमसीडी के स्कूलों की बात करेंगे, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको सारी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, वहीं यहाँ के जो विधायक हैं उनसे हमने बातचीत की, जो नेता थे आम आदमी पार्टी के उनसे हमने बातचीत की, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, हालांकि कांग्रेस एक नारा जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो ये है कि अब हो गया काम, जय श्री राम, ये बहुत चल रहा है, मतलब उनका ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं कटाक्ष के बीजेपी पर काबिज। जी बिल्कुल काजोल, एक बात बताइए, देखिए देश की नजर जो होती है वो दिल्ली पर जरूर रहती है, चाहे चुनाव छोटा हो या चुनाव बड़ा, क्योंकि सियासी राजधानी कहा जाता है। एक चीज और जानने की कोशिश करूंगा, चुनाव जरूर छोटे थे लेकिन अहमियत बहुत बड़ी रखते हैं, ये बताइएगा कि मुख्य वजह दिल्ली में बीजेपी की यहां पर सुपड़ा साफ होने की क्या नजर आ रही है आपको, आज जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद, कहीं ये कानून व्यवस्था से जोड़कर तो नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है। दिल्ली में 2019 में पीएनआरसी देखा, उसके बाद 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए, केंद्र सरकार से दिल्ली की जनता लगातार मांग कर रही थी, और ये जो किसान आंदोलन है ये भी दिल्ली की जनता ने देखा है, कितनी तकलीफ आम जनता को होती है सब देखा है, लेकिन उसके इस तरह अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जो काम है जो पिछली का दिल शून्य करना है, पानी घर घर तक पहुंचाना है, सफाई व्यवस्था करवानी है, कूड़े की गाड़ियां लगवानी है, सड़कों का निर्माण करवाना है, स्कूल का सुंदरीकरण करवाना है, बच्चों की पढ़ाई पर जोर देना है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उभारता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली में काविंद्र। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए काजोल। तो जो कुछ भी रहा आज, 5 में से 4 सीटें आम आदमी पार्टी ले गई है, ये सियासी मंच पर कहें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली पर पूरे देश की नजर रहती है, और आज दिल्ली के पटल पर जो कुछ हो रहा है, 5 में से 4 एमसीडी उपचुनावों की सीट आम आदमी पार्टी ले गई, 1 सीट कांग्रेस ले गई, इससे ये जाहिर होता है कि कांग्रेस अभी भी अपने आप को फाइट में मानती है, आने वाले उपचुनाव जो दिल्ली के होंगे उस पर भी कांग्रेस जो है अभी भी जिंदा है, ये बताने की कोशिश की है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बीजेपी 1 भी सीट नहीं निकाल पाई, ये बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी जो है दिल्ली में अपनी जो जमीन है उसको लगातार मजबूत करने की कोशिश करती रही है, लेकिन आज के उपचुनावों ने साफ कर दिया कि जनता जो है फिलहाल दिल्ली से इतनी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही है बीजेपी से दिल्ली में। अभी आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी से जो लोग हैं वो बड़े नाखुश नजर आते हैं, और एमसीडी से जो बीजेपी के अंडर में है उनसे दुखी भी हैं, तो ऐसे में उन्होंने बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। तो अभी जो कुछ आपने देखा, जो कुछ आपने बातें समझी, उससे साफ है कि दिल्ली में बीजेपी को अभी अपनी जमीन और मजबूत करने की कोशिश करनी पड़ेगी, आईना उनको आज दिखाया है आम आदमी पार्टी ने। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।